अरमान के सामने आया रूही का असली चेहरा। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में आया है नया ट्विस्ट जो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप लोग बहुत बड़ा ही धमाका देखने वाले हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में तो अरमान ने दे दी है रूही को बहुत बड़ी धमकी, क्योंकि अरमान को पता चल चुका है रूही की सारी साजिशों के बारे में कि रूही क्या कर रही है, और रूही बहुत बड़ी साजिश कर रही है। रूही आई है अरमान के लिए, ये अरमान जान चुका है, और खुलेआम धमकी दे देता है अरमान रूही को कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हारे सच का खुलासा सबके सामने कर दूंगा। और उधर रूही अरमान से कहती है कि तुम्हारी बातों पे कौन विश्वास करेगा, तुम्हारी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा क्योंकि रोहित मुझसे प्यार करने लगा है और रोहित भी विश्वास नहीं करेगा। यह कहकर रूही अरमान को समझा देती है, लेकिन अरमान भी अपनी ज़िद पे अड़ गया है कि वो सारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। तो क्या रूही होने देगी अरमान और अभीरा की शादी, या फिर अरमान चला जाएगा घर छोड़कर? जी हाँ, अरमान जा रहा है घर छोड़कर, जी हाँ, पोदार हाउस छोड़कर जाने वाला है अरमान, क्योंकि दादी सा नहीं मानने वाली हैं, अपनी ज़िद के आगे घुटने नहीं टेकने वाली हैं। उधर रूही ने भी इतना बड़ा नाटक कर दिया है, सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्या पता चल पाएंगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल दिव्यांश ब्लॉगर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल। और दादी सा नहीं मानने वाली हैं ये सारी बातें, और फूफा सा ने भड़का दिया है दादी को बहुत बुरी तरीके से, लेकिन फूफा सा क्या मना पाएंगे दादी सा को, क्योंकि रोहित ने भी रख दी है एक बहुत बड़ी शर्त, और उस शर्त को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगी दादी सा, या फिर सारी चीज़ों को देखते हुए अरमान चला जाएगा घर छोड़कर। उधर रूही ने अभीरा के साथ किया है किडनैपिंग का एक नया नाटक, अभीरा को कर लेती है किडनैप। जी हाँ, रूही कर लेती है किडनैप अभीरा को, और अरमान बुलाता है मंदिर में अभीरा को, और अभीरा को उलझा कर नाटक करके चली जाती है रूही अरमान से मिलने के लिए, और अरमान को पता चल जाता है सारा सच। और क्या अरमान सबके सामने ला पाएगा सारा सच? जानने के लिए देखते रहिए रिश्ता क्या कहलाता है। थैंक यू।